नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूएस स्टडी 76 पर। तो अपनी क्लास चल रही थी रीजनिंग की, और रीजनिंग में चैप्टर चल रहा था डाइस का। तो डाइस में इससे पहले 3 क्लासें हो चुकी हैं, तो जिन मेरे प्यारे साथियों ने भी 3 क्लासें नहीं देखी हैं वो लोग देख लें। और 3 क्लासों में हमने 2 कॉन्सेप्ट क्लियर कराए हैं, तो एक एक कॉन्सेप्ट बढ़िया तरीके से एक क्लास में कम्प्लीट कराया गया है। तो मैं सभी लोगों से कहना चाहूँगा कि वो लोग वो क्लासें देख लें, तो आप लोगों के लिए वो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। और चलते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैंने यहाँ पर कॉन्सेप्ट और क्वेश्चन पहले ही नोट कर रखा है, क्योंकि हमको वीडियो लंबी नहीं करनी है, हमको छोटी वीडियो में ही पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, जिससे कि टाइम जो है वो हमारा टाइम सेविंग हो जाए, टाइम की बचत हो जाए। तो हमारा कॉन्सेप्ट थर्ड है ओपन डाइस का। जो ओपन डाइस होता है, तो ओपन डाइस जो खुला हुआ पासा होता है, उसको किस तरीके से उसमें से अपोजिट सरफेस निकालते हैं, अपोजिट नंबर निकालते हैं, और जो खुला हुआ पासा होता है उसको अगर हम बंद करके बनाएं, उसको अगर हम बंद करें, ठीक है, क्लोज डाइस में अगर कन्वर्ट करें, तो किस तरीके से वो बन के तैयार होगा, कौन सा वाला हमारा जो है वो ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा, इस तरीके से क्वेश्चन होते हैं। जैसे कि ये ओपन डाइस है, ओपन डाइस को अगर हम क्लोज करते हैं तो हमारे पास 4 स्थितियाँ हैं, तो इनमें से कौन सी एक स्थिति जो होगी वो राइट हो जाएगी हमारी। तो चलिए क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ओपन डाइस। तो ओपन डाइस में सबसे पहले क्या करते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ओपन डाइस की बात क्या है, तो इसमें क्या होता है, ओपन डाइस में क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो इसमें यहां पर एक लाइन लिख लीजिए, प्रत्येक अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, ठीक है, प्रत्येक अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, प्रत्येक सरफेस जो होती है, अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो अपोजिट होती है। क्या होती है, प्रत्येक जो सरफेस होती है, प्रत्येक अल्टरनेट अपोजिट होते हैं, यानी कि प्रत्येक, यहाँ पर सतह या सरफेस लिख लीजिए, प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होते हैं, ठीक है, ये याद रखना। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन कैसे बनता है, जैसे कि प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस अपोजिट होते हैं, किस तरीके से करना है हमको, तो यहाँ पर देखिएगा, फर्स्ट के अल्टरनेट कौन बनेगा, एक को छोड़ के 3, यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पर, इस तरीके से देखिए, 1, 3, 2, 4, ठीक है, 5, 6, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, अल्टरनेट 1 को छोड़ के 1, 2 को छोड़ा 3, ठीक है, 2, 3 को छोड़ा 4, 5, 3 को छोड़ा 6, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 3, 2 का अपोजिट अल्टरनेट सरफेस है, यानी कि 1 को छोड़ के 2 का अपोजिट हो जाएगा हमारा 4, 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमारा, 1 का अपोजिट 3 हो गया, 2 का अपोजिट 4 हो गया, 3 का भी अपोजिट 1 हो जाएगा। अगर पूछा जाए 5 का क्या हो जाएगा, 5 का अपोजिट हमारा 6 हो जाएगा, और इसी तरीके से 6 का अपोजिट हमारा 5 हो जाएगा। इस तरीके से प्रत्येक अल्टरनेट सरफेस जो होती है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है, एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, ठीक है, एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर क्या होता है, एवरी, याद रखना ये वाला स्टेटमेंट, एवरी अल्टरनेट सरफेस अपोजिट टू ईच अदर, प्रत्येक अल्टरनेट सतह एक दूसरे के विपरीत होती है, ठीक। तो यहाँ पर जैसे कि एक को छोड़ के करना, अल्टरनेट का मतलब होता है एक को छोड़कर, देखिए 1, 2 को छोड़ा 3, ठीक है, 2, 3 को छोड़ा 4, 5, 3 को छोड़ा 6, इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये वाला क्वेश्चन हो जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं, इस टाइप के बहुत ही सरल क्वेश्चन है कि इस तरीके से आप ओपन डाइस का ये वाला अगर इस सिंपल वे में पूछा जाए, इस तरीके से तो आप कर सकते हो और बता सकते हो। अब बात करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में कैसे करना है। तो यहाँ पर भी सबसे पहले हमको क्या करना है, हमको अपोजिट निकालने, तभी हम वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि इसमें से कौन सी जो फिगर दे रखी है 1, 2, 3 एंड 4, इनमें से कौन सी हमारी राइट हो जाएगी, विच ऑप्शन इज राइट। तो यहाँ पर भी हमको क्या करना है, अल्टरनेट निकालना है। तो अल्टरनेट निकालने के लिए वही, जैसे कि एक को छोड़कर, जैसे कि एन का अपोजिट बी, ठीक है, एन का अपोजिट बी यहाँ पर लिख लीजिए, एन का अपोजिट बी, ए का अपोजिट, ऐसे एन का अपोजिट कंफ्यूज हो जाओगे, तो इसको ऐसे लिखो, इस तरीके से, एन का अपोजिट बी और ए का अपोजिट
वन, ए का अपोजिट वन। अब देखो, अब तुम इसमें कहोगे इसमें किस तरीके से अल्टरनेट निकालना है, तो इसमें तो पहले तो अल्टरनेट ऐसे ही निकल आएगा, ए का निकल आया, एन का निकल आया, एन का निकल आया, ए का निकल आया, तो बचा क्या, एम, एम का अपोजिट टू, एम का अपोजिट टू, इस तरीके से हमारा यहाँ पर आ जाएगा। और आगे और भी जो क्वेश्चन बनेंगे उसमें जब यहाँ पर नहीं निकलता है तो वो वाला भी मेथड है हमारे पास, वो भी आप लोगों को हम बताएंगे। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, वीडियो को शेयर करें और कमेंट करके बताएं आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट कैसे लग रहे हैं और ये क्लास समझ में आ रही है कि नहीं, कमेंट करके बताएं। जब इस तरीके से हमको ढूंढने नहीं मिलते हैं उसका भी हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, उसकी भी ट्रिक है, वो भी हम बताएंगे, लेकिन आप लोग पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है, फिर हम बताएंगे आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में। तो यहाँ पर क्या करना है, हमने फर्स्ट क्लास में ही, जिन लोगों ने देखी उन लोगों को पता होगा, फर्स्ट क्लास में ही बताया था कि दो विपरीत सतह ना तो एक साथ दिखाई सक दो विपरीत सतह ना तो एक साथ देखी जा सकती हैं और ना ही एक साथ छिपती हैं। तो यानी कि दो विपरीत सतह जो होती हैं वो एक साथ आपको कभी भी नहीं दिख सकती हैं, ठीक है, एक साथ कभी भी नहीं दिख सकती और ना ही एक साथ कभी भी छिप सकती हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कौन सा वाला हमारा ऑप्शन राइट होगा। तो ये हमने जो स्टेटमेंट फर्स्ट क्लास में ही बताया था, दो विपरीत सतह, ठीक है, एक साथ नहीं दिखती हैं। तो यहाँ पर देखिए दो विपरीत सतहें कौन कौन सी एक साथ दिख रही हैं, नहीं दिख रही हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं ए और वन वाला हमारा नहीं हो सकता, एम और टू वाला ये भी हमारा नहीं हो सकता, एम और टू दो विपरीत सतहें ये भी नहीं हो सकता, बी और एन ये भी हमारा दो विपरीत सतहें नहीं हो सकता। तो बचा क्या हमारा, फोर्थ ऑप्शन, तो क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट। तो चौथा वाला जो हमारा ऑप्शन है वो हमारा राइट इस तरीके से हो जाएगा, क्योंकि वन एम एन ये तीनों क्या हैं, अपोजिट नहीं है एक दूसरे के, इनमें जो तीनों ये नंबर दे रखे हैं, लेटर दे रखे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। और जो भी यहाँ पर एन ओ बी देखिए यहाँ पर अपोजिट थे, ये वाला हमारा नहीं हो सकता क्योंकि दो अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, एक साथ नहीं दिख सकते, ठीक है, दो विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं देख सकते। ए और वन यहाँ पर देख सकते हैं, ए और वन ये भी, ठीक है, एम और टू ये भी देख सकते हैं, बचा क्या हमारा, फोर्थ ऑप्शन। तो फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पर राइट हो जाएगा। पहले ही हमने बताया था फर्स्ट क्लास में ही बताया था, दो अपोजिट सरफेस कैन नेवर बीन सीन टुगेदर, ठीक है, और दो अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी सीन टुगेदर, ठीक है, दो अपोजिट सरफेस कैन नेवर बी हिडन टुगेदर, ना ही एक साथ देख सकते हैं और ना ही एक साथ छिप सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने बताया था। तो इस तरीके से आपको ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर ओपन डाइस वाला समझ में आ गया होगा। इसमें और भी एक कॉन्सेप्ट है वो देखिएगा, ठीक है, वो हम आप लोगों को बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको तुरंत तुरंत मिल जाए। तो आज की क्लास को इतना रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।